नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपको लगातार हम खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने आरोप लगाया है अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार का। जी हाँ, पार्टी फंड को लूटने का। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं विष्णु पटेल, ये भी राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन माझी को तो छोड़ेंगे नहीं दानिश। लेकिन क्यों ऐसी नौबत आई दानिश, क्यों ऐसी नौबत आई कि आपको प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा? देखिए, मैंने प्रदेश अध्यक्ष खिलाफ इससे मोर्चा खोला कि जीतन राम मांझी जी ने हमें हमेशा समझाया कि दानिश जी जहाँ रहिएगा गरीबों की बात कीजिएगा। राजनीति अलग अलग हो सकती है लेकिन विचारधारा एक होती है और हम लोग मांझीवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बड़ा स्पष्ट कहा था कि दुनिया के गरीबों एक हो, और जब हम पार्टी के अंदर में ही गरीबों के पैसों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो मुझे आवाज़ बुलंद करना था। कोई तो खड़ा होकर ये बोले कि ब्रिशिन पटेल चोर हैं, और मैंने वही करने का काम किया। मैंने एक लाइन बनाने का काम किया कि भाई कोई हो अगर गरीबों के पैसा चोरी करेगा तो हम उसका खिलाफत करेंगे, और मैंने वही करने का काम किया। नतीजा आपके सामने है। कब पता चला कि ब्रिशिन पटेल आपके चोर हैं जो प्रदेश अध्यक्ष ही हैं? देखिए, लगातार प्रदेश अध्यक्ष थे, हैं नहीं, आप अब है नहीं वो। और पिछले तकरीबन जब एक साल पहले हमारा एक सम्मेलन हुआ था गांधी मैदान में, उस सम्मेलन के उपरांत जब हम लोगों ने ऑडिट करी थी तो मैं भी कोर ग्रुप का पार्टी का मेंबर रहा था। ऑडिट में बात आई थी और ब्रिशिन पटेल साहब ने ही कहा था कि 14 लाख रुपये पार्टी फंड में अभी बच रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद उन्होंने अचानक से कहा कि मात्र 10 लाख रुपये बच रहे हैं। अरे आखिर पैसा कहाँ चला गया? एक हफ्ते में कहीं कहीं खर्च नहीं हुआ, पैसा बचने के बावजूद वो पैसा खत्म हो गया। उस वक्त से लेकर के लगातार ये बातचीत चल रही थी कि आखिर वो पैसा कहाँ गया, और जैसे हमने उस पैसे के बारे में पूछना शुरू किया तो जवाब देने को कतरा रहे थे। और चूंकि बड़ा कद काठी है, 7 बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हालांकि संसदीय जीवन में ये स्थिति रही थी, जमानत तक जब्त हो गया था उनका, लेकिन बोलते हैं कि मेरी बड़ा राजनीतिक जवान, मेरे से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है, और डर से उनसे कोई पूछता भी नहीं था। मैंने वही पूछा कि भैया साहस कैसे हुआ, माझी जी का इशारा हुआ उसके बाद? देखिए, जब आप सिद्धांतों के साथ चलेंगे, जब आप गरीबों की बात करेंगे तो साहस आता है सर, और वही साहस मेरे अंदर आया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल देने का साहस तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहमति से ही आया होगा। मैंने बताया ना कि मैं मांझीवाद की राजनीति करता हूँ, जीतन राम मांझी की उंगली पकड़कर आगे बढ़ना सिखा है। जो व्यक्ति जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री रहते हुए जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार के ऊपर में उंगली उठा दे, मैंने सानिध्य में राजनीति सीखी है। हम डरने वाले लोग नहीं है सर, चोर को चोर कहते हैं। रिएक्शन लिया है, क्या एक्शन? देखिए, आज प्रेस के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि मांझी जी ने भी मेरी बातों को इस पर सहमति जताई है, और उन्होंने भी कहा है कि ब्रिशिन पटेल जी ने पैसे का हेराफेरी किया है। निकाल दिया गया, ये मुझे नहीं पता है, मैंने मीडिया से ये सारी बातें सुनी है कि मैंने यही सुना है कि ब्रिशिन पटेल साहब ने घपला किया है और इसलिए उनको शायद पार्टी में वो नहीं लेंगे, इस तरह की बात मैं मीडिया में सुन रहा हूँ। लेकिन देखिए, चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। मैं जानता हूँ जीतन राम मांझी जी को, मैंने आपको बताया कि मैंने शुरुआती दिनों में उनको देखा है। वो सब कुछ के साथ समझौता कर सकते हैं, गरीबों के साथ इंसाफ से कभी समझौता नहीं करते। कहा जा रहा है कि पार्टी टूट गई तो आपके सीटों के बंटवारे में थोड़ा सा पेच फंसेगा, यानी कम सीटें मिलेगी आपको। देखिए, सीटों का तालमेल वो जीतन राम मांझी जी और संतोष सुमन जी अधिकृत हैं, उसको छोड़कर अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में कोई सीटों पर बयानबाजी देता है तो वो ब्लफ करता है। जीतन राम मांझी जी और संतोष कुमार सुमन जी को, दो लोगों को, जब मैं पार्टी में था, इधर 2 दिनों में क्या डेवलपमेंट हुआ है मुझे नहीं पता है, पार्टी के तमाम नेताओं ने उनको अधिकृत कर दिया है कि कोई सा भी सीटों पर फैसला होगा वो सिर्फ जीतन राम मांझी जी और संतोष सुमन जी लेंगे। अगर उसके अलावा कोई भी बातचीत कहता है तो वो गलत कहता है, और मुझे नहीं लगता है वो दोनों इतने काबिल हैं कि उस संगठन को बहुत मजबूती से चलाएंगे। और आप लोग मुंगेर से अनंत सिंह को लड़ना चाहते हैं, कितनी सच्चाई है? देखिए, ब्रिशिन पटेल जी कौन होते हैं ये तय करने वाले कि वो मुंगेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं? अरे पार्टी लड़वाएगी ना चुनाव, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि चुनाव पार्टी लड़ाती है, पार्टी का जितना कार्यकर्ता है सब चाहता है चुनाव लड़े। हमारे पास में बिहार में 40 सीट है लेकिन हमारे दल में तकरीबन 500 ऐसे वर्कर हैं जो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, तो क्या 500 सीट बना दी जाए? अरे जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट मिलता है, और ब्रिशिन पटेल साहब की हैसियत ये है कि कहीं से वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे, और कहते हैं कि हम पार्लियामेंट जीत जाएंगे, तो सीट एक वजह है उनकी नाराजगी का। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि सीट वूट कोई वजह नहीं है, उनका वजह साफ है, जब शीर्ष नेतृत्व ने उनसे पैसे का हिसाब किताब मांगा तो ब्लफ कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है, उन्होंने कहा कि दानिश रिजवान की बयानबाजी से आहत होकर मैंने इस्तीफा दे दिया है। अरे दानिश रिजवान ने तो पहले ही इस्तीफा दे दिया था,
जीतन राम मांझी जी ने जब निर्देशित किया और देखिए इन लोगों ने क्या गेम किया था मेरे खिलाफ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इन्होंने एक माहौल खड़ा किया कि दानिश रिजवान का बयान आया है कि जीतन राम मांझी जी 3 तारीख की भाजपा के रैली में शामिल होंगे, उनके मंच पे से खड़े होंगे। आपने भी सर ये बात हमसे पूछा था, ऐसा मैंने आपको क्या कहा था? यही कहा था ना कि इस तरह का कोई बात नहीं, वो महागठबंधन के साथ थे, हैं और रहेंगे, इसमें कहीं से कोई सवाल नहीं उठता है। और जब मैंने इस्तीफा दे ही दिया था तो फिर उनको इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? मेरे ऊपर ही कार्रवाई की मांग करके ना इस्तीफा दे रहे थे, तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो गई, मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इस्तीफा देने का मतलब स्पष्ट है कि उन्होंने पूरा प्लान कर रखा था कि उनको इस्तीफा देना है। और देखिए एक चीज बड़ी साफ है कि अचानक से उन्होंने कहां से इस्तीफा टाइप करा लिया, जब वो इस्तीफा देने का ये पूरा प्लान बनाकर आए थे कि हमको आज इस्तीफा दे देना है। अब कारण ऐसा पैसे का मचा कि अब उनको लगा कि अगर आज नहीं दिया तो बड़ी फजीहत हो जाएगी, अब तो ये पैसे का हिसाब। आपका इस्तीफा मांझी जी ने मंजूर किया है अब तक? मुझे नहीं पता है, मैंने आपको कहा ना कि मेरा काम है, मैंने काम कर दिया है, शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश आएगा। मांझी के साथ बने रहेंगे ना वो? नहीं, इस्तीफा मंजूर जी वाद के साथ, मैं मांझी वाद के साथ था, हूं और रहूंगा। मैं उनकी लड़ाई को हमेशा आगे बढ़ाऊंगा। मैं जिस दल में रहूं, उनका जो सपना है कि दुनिया के गरीबों एक हो, मैं उस सपने को आगे बढ़ाऊंगा। तो आपने देखा दानिश रिजवान एक बहुत ही आक्रामक रुख वाले, तेवर वाले, तल्ख तेवर वाले प्रवक्ता माने जाते हैं, और इन्होंने अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को उखाड़ फेंका है। अब ये कह रहे हैं कि हम मांझी को नहीं छोड़ेंगे, हमने इस्तीफा तो दे दिया है, मंजूर हुआ कि नहीं ये भी पता नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इनका इस्तीफा मांझी ने मंजूर नहीं किया है और बिश्रम पटेल के खिलाफ बहुत ही बड़ा आरोप लगा दिया है। यानी जो दानिश रिजवान ने आरोप लगाया था उस पर मुहर लगा दिया है और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि बिश्रम पटेल जो कह रहे हैं कि एनडीए के साथ कभी नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे अब? क्योंकि मांझी तो कह रहे हैं कि महागठबंधन के साथ ही बने रहेंगे, तो क्या मांझी के महागठबंधन में रहते बिश्रम पटेल के लिए महागठबंधन में कोई जगह बन पाएगी? आपको इस खबर में दम लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।